हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आप अगर सैमसंग गैलेक्सी सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं तो आप एक मेजर प्रॉब्लम नोटिस करोगे। इस फोन में आप अगर वायर्ड हेडफोन या एक्सटर्नल माइक इंसर्ट करते हो तो उसका आइकॉन होम स्क्रीन में शो नहीं करता है। अब प्रॉब्लम ये आता है, आप जब हेडफोन लगा के किसी के साथ बात करते हो तब कभी कभार वॉइस ब्रेक होता है। तो पहले आप लोग नेटवर्क चेक करते हैं या आपको लगता है कि हेडफोन का कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे सिचुएशन में डिस्प्ले में अगर आइकॉन शो ही नहीं करता है तो आपको लगेगा कि हेडफोन काम ही नहीं कर रहा है। तब हम लोग हेडफोन का वायर निकाल के फिर से इंसर्ट करके चेक करते हैं कि साउंड ठीक से आ रहा है कि नहीं। लेकिन कभी कभी ये नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसका बड़ा ही आसान सलूशन आज आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। हमें सिर्फ गूगल प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है हेडसेट नोटिफायर। आपके स्क्रीन में अभी शो कर रहा होगा। ये ओनली 450 KB का फाइल साइज है और साथ में कोई ऐड भी नहीं मिलता है। हालांकि आपको बहुत सारे ऐप मिल जाता है लेकिन उसमें कोई गैलरी का एक्सेस मांगता है या फिर लोकेशन का या तो कॉन्टैक्ट्स का। लेकिन ये वाला ऐप जो मैं इंस्टॉल की हूँ उसका एक तो साइज बहुत ही कम है, कोई परमिशन नहीं मांगता है सिवाय माइक्रोफोन का, और इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं मिलता है। गाइस, आप लोग ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और करने के बाद होम स्क्रीन में हेडफोन का आइकॉन शो कर रहा है कि नहीं चेक कीजिए। अगर नहीं कर रहा है तो आप मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद ज़रूर आपको ये आइकॉन शो हो जाएगा। तो इससे आप डिटेक्ट कर पाओगे बात करने के समय हेडफोन का प्रॉब्लम है या नेटवर्क का। सो आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और यूजफुल ट्रिक्स जानने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।